नहीं जा रही है पापा से शिकायत लगाने आपकी। मतलब की ईद आ गई, घर पर आ गए हमारे कुछ सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर अभी मैं उनके लिए जूस डालने लगी हूँ। ये वाला बॉक्स है, क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो बच्चा? सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ दो चम्मच, और साथ साथ हम पानी भी डालते जाएंगे। सॉफ्ट बने, बहुत मजे के। परिंदों की आवाज़ इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस टाइम का, दुपले उद को देखें कितना प्यारा लग रहा है। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 5:38। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है, और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बस मैं यहाँ से देख रही हूँ, फजर के बाद ही लोग यहाँ पर वॉक शुरू कर रहे थे। हस्बैंड ने आज फजर के बाद ही काम पर जाना था, तो अभी मैंने उनके कपड़े निकाले हैं, प्रेस करने लगी हूँ। जा रही है पापा से शिकायत लगाने आपकी। नहीं, 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 नहीं। पापा को शिकायत लगाने गई हुई है, हालांकि दोनों बलून भी नहीं है। दे दो मुसा, प्लीज दे दो बच्ची को, दे दो, नहीं रुला मला। हुई हुई हुई, लग ना जाए कोई इसको। मलाम को अभी नहीं जा रहे पापा, आ जाओ वापस, आ जाओ आ जाओ, ये रास्ता मेरा, आ जाओ। नहीं जा रहे अभी, वो देखो वो खड़े हैं, अभी मैं से एक साइड पे करती हूँ, फिर रास्ता ले जाती। ये देखो ये देख के खड़े हुए, नहीं जा रहे, बस सो रहा हूँ, ये पकड़ो, ये मुस्तफा का बैग, अच्छा ये नहीं चाहिए, बस मैं सोने जा रहा हूँ, बस नहीं जाना मुझे, बस नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहा हूँ। फार्म हाउस से ले जाएंगे साथ में, ये भी आपके साथ वहाँ पे काम करवाएंगे ना। ये पकड़ो, ये पकड़ो, अच्छा ये ले लो बस ये ले लो, ये नहीं चाहिए, क्या करें, जाओ पापा के पास जाओ, आपको लेके जाएं, जाओ अच्छा ले जाए, थोड़ा सा नीचे से चक्कर लगवा के फिर छोड़ जाए मेरे पास, जाओ ले जाए, नीचे से ना राउंड लगवा के ना बस फिर वापस छोड़ दे मेरे पास। अब ये हाल है इसका, अभी उठ जाए नींद से तो जाने भी नहीं देती। बाय 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 बाय, चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय करो मम्मा को, मला बाय बाय, अब ये बस चलो जाओ मम्मा के पास, साफ है बस, ये काम हो सकता है ना, कुछ आपको खाने लो, ये लो मला के लिए बहुत सारी कोई मला की चीज लगेगी, पहले आओ। अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मेरे पास बॉयल एग और पुदीने वाला कहवा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन या रब। ये वाली एक बुक होगी, और ये सारी लाओ, हानिया ने जाना है पढ़ने, मैंने ये सारी बुक्स मैं देख रही हूँ, कोई बुक ना इसकी मिस ना हो जाए, और ज्यादा भी ना हो, जो काम की नहीं है वो नहीं डाले के लगा, और हानिया ये वाली अब्बा ये देखो ये वाली, ये काम की है, इस्लामी की हमेशा होती है, इसका तो रोज काम मिलता है, देखिए सारी आपकी, ये लो देख लो पहले, कौन सी कंप्यूटर की टीचर के पास होती है, काफी टाइम हो गया हानिया गई नहीं है पढ़ने, तो आज ये जा रही है, मोना और तमन्ना का तो कल से स्टार्ट हो गया, बल्कि दो दिन से वो जा रही है, हानिया जो है ना वो आज जाएगी, मुस्तफा बल्कि चला गया है, बस ये हो गया हानिया, चलो आज वन सेकंड, ये पकड़ के बैठो, कौन है ओ मला से तोड़ दिया, हाँ मला को कोई ना कोई शरारत करनी ही करनी है इस बच्ची ने, गिर ना जाओ वहाँ से, आप वहाँ देखो कहाँ पे आपने बिठा दिया मला को, ख्याल करो उसका, ये पापा चले गए हैं ना, बहुत ज्यादा रो रही, बहुत रो रही थी ना, फिर मैंने इसको उठाकर ऊपर बिठा दिया, क्या कर रही हो आप, क्या कर रहे मम्मा का बच्चा, दे दो मम्मा को, दे दो ये मम्मा को, दे दो थोड़ा मैं मलाक किसी चीज को छोड़ती है, ये देखो मलाक हर चीज को तोड़ने, आप ये देखो ये बालों के साथ पता नहीं क्या करने वाले, क्या करने बालों के साथ, आप ही को कंघी करवा रहे हैं, आप ही पढ़ने जा रही है, एक डेढ़ साल तक मलाक भी जाएगी आपके साथ, छोटा सा एक बैग उठाएगी और जाएगी अपनी आप ही के साथ, है ना, चलो बस बाय बाय मलाक।
कोई जरूरत नहीं छुट्टी करने की, जाओ। इतने दिन छुट्टियाँ नहीं की आपने। जी मैं आ गई हूँ बाहर और तमन्ना और मोना को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। मोना तो आ गई है मेरे साथ, तमन्ना अभी तक नहीं आई। नहीं आई ना तमन्ना अभी तक, आ रही है ऊपर है बस। अल्लाह हाफिज़। मेरे बच्चों को अभी छोड़ दिए, जाती हूँ फिर घर। मल्ला की ईद आ गई। और आप सुनाएं कैसे हैं सफिया? कौन है ये? अच्छा, ये घर पर आ गए हमारे कुछ सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर अभी मैं उनके लिए जूस डालने लगी हूँ। बास्केट बना लिए फ्रूट्स की और वहाँ पर चाय रख दी, चाय बन रही है। तो पहले मैंने कहा उन्हें ठंडा पिला देते हैं। अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ और देखिए पहली बार ना इन कप्स में मैंने चाय डाली है। बहुत खूबसूरत कप है ये, और साथ में ये रस ले लिया मैंने। हवा इतनी ठंडी आ रही है ना माशाल्लाह। यहाँ से सब्सक्राइबर जो हमारे घर पर आए थे ना वो चले गए हैं। यहाँ पर वो जो चीजें लेकर आए थे मलाक की ईदी लेकर आए थे, ये देखिए मलाक के लिए जो ड्रेस लेकर आए हैं वो थाई मार्क से लेकर आए हैं। मलाक से सारे मिलने आए थे, स्पेशल मलाक से मिलने आए थे। और देखें कि मलाक सोई हुई थी, बस मैंने फिर उधर से उठा दी तो फिर रोती और उससे फिर मिल भी नहीं पाती, सही से सबको परेशान करते। अच्छा ये देखें ये वाली फ्रॉक है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें, चलो ये फ्रॉक है मलाक, ये देखें। और साथ में और क्या चीज़ें हैं मलाक की ईदी, देखें। ये देखें छोटा सा नेकलेस आया है इसके लिए माशाल्लाह। और भी अच्छा, और इसके लिए ना चॉकलेट्स हैं, ये बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह लेकर आए हैं। यहाँ पर लेकर आए हैं मिठाई। अच्छा ये कनजान की मिठाई है, जो हमारे सब्सक्राइबर आए थे ना हमारे घर पर, तो उनका जो बेटा है ना वो इस शॉप पर काम करता है, तो ये मिठाई वहाँ की है। अच्छा ये कनजान जो है इनकी शॉप का नेम है, और यहाँ पर ये देखिए इनका जो नंबर है वो मेंशन है। अगर किसी ने मेल लेनी है मिठाई जो कि मदीना से हमें देखते हैं, तो वो यहाँ से ले। इनकी मिठाई जो ना बहुत मजे की होती है। अच्छा एक ये वाला बॉक्स है, ये देखिए। इसके अलावा एक और वो बॉक्स है, और ये देखिए माशाल्लाह सारी जो है ना वो फेमस मिठाइयाँ हैं, बड़ी मज़े की होती हैं। और ये देखिए एंड में ना ये टर्किश बकलावा है। सबसे ज़्यादा ना देखिए मुझे मलाक की ड्रेस बहुत पसंद आई है, और उसके साथ जो ये नेकलेस है ना ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये कलर मलाक ने आज से पहले कभी नहीं पहना ना। हाँ ये कलर मलाक ने पहना भी नहीं है, उसके प्यारा बन गया। लाइट्स है और इसके साथ में ये छोटी सी जो आप कबर्ड में हैंग कर लो, और ये भी रख दो उसका। अच्छा जो टर्किश बकलावा होता है ना ये बहुत मज़े का होता है। वैसे बच्चे तो सो रहे हैं, मुस्तफ़ा हानिया और मलाक तो सो रहे हैं, बाकी घर में जाग रहे हैं सब। तो मैंने कहा जाकर उनको देखे, मैंने कहा चलो एक मैं यहाँ से टेस्ट कर लूँ, खा लूँ। मोना का भी फेवरेट है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का माशाल्लाह। आपको मीठा वैसे भी बहुत पसंद है। तो आज अब्बू के रूम में सब बैठे हैं, तो उनका मुँह मीठा करवाते हैं, जैसे ही ये ईद के लिए आए हैं ना मिठाई आई। सब्सक्राइबर जो मिठाई लेकर आए हैं ना, एक जैसी अबू भी स्मार्ट है। अभी मैं बनाने लगी हूँ गार्लिक नान, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। और यहाँ पर है देखिए मेरे पास ऑयल, इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास चीनी, नमक, खमीरा, जो कि इसको फुलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ 2 चम्मच चीनी के, यहाँ से एक और भी डाल देती हूँ क्योंकि मैंने आटा ज़्यादा लिया हुआ है। अभी यहाँ पर डालूंगी मैं नमक, नमक मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो अभी मैं डालने लगी हूँ यीस्ट, खमीरा। अच्छा अगर आपके पास खमीरा नया है तो ही आप इस्तेमाल करें, अगर काफ़ी पुराना आपके पास पड़ा तो वो आपको रिजल्ट सही से नहीं देगा गार्लिक नान के लिए। तो मेरे पास भी ज़्यादा पुराना नहीं है, रमज़ान के लास्ट दिनों में हमने लिया था। यहाँ से भी मैं डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच इस तरह से, देखें भरे भरे। अभी मैं डालने लगी हूँ इसमें ऑयल, इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ। अच्छा पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, आराम आराम से इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हम पानी भी डालते जाएंगे। एकदम से पानी नहीं डालना, क्योंकि एकदम से पानी डालेंगे ना तो हमें इसे किस तरीके से रखना है, हमें थोड़ा लाइट रखना है, हमें इसे थिक रखना है, तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन आराम आराम से डालते जाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि आप ये किस तरीके से बन रहा है, थिक बन रहा है, लाइट बन रहा है। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। मैंने हाथ से गूंदना था, ग्लव्स इसलिए ले लिए क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी मेरे हाथों पे और मेहंदी का जो कलर है ना वो उतर रहा है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं बस ग्लव्स पहन के ना इसको मिक्स कर लेती हूँ। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना उससे हमें इसको थोड़ा सा थिक रखना है,
क्योंकि मैं ग्लव से आटा गूंथती नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है ग्लव के साथ। इतना देर मेहनत करने के बाद इसको ये देखे, मैंने इसको अच्छे तरीके से बना लिया जिस तरीके से ये मुझे चाहिए था, बिल्कुल वैसे बन गए। ये देखे यहाँ पर देखे, मैंने एक डब्बा ले लिया, कोई कंटेनर हो आप उसमें रखे, इसको बिल्कुल बंद कर दे, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए कहीं से भी। तकरीबन आधे घंटे के लिए ना रखना है हमें, तकरीबन कोई 45 मिनट इस तरीके से हम इसे रखते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा ऑयल, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ना हम हल्के हाथ से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने दे दिया ये ढक्कन, वैसे ये ढक्कन इसका है तो नहीं, हवा जो है ना वो इससे क्रॉस नहीं होगी, इसको अभी हम रख देते हैं। तो ये देखिए आटा जो है ना हमारा बनकर तैयार हो गया है, और इसे मैंने आधे घंटे के लिए नहीं रखा, तकरीबन एक घंटा हो गया इसे पूरा रखे हुए, और ये देखिए बिल्कुल ये फूल के ऊपर आ गया। और यहाँ पर मैंने देखे लहसुन ले लिया, लहसुन कूट के रख दिया, और साथ ही यहाँ पर मैंने धनिया कट करके रख दिया, हाफ मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये देखे यहाँ पर मैंने रख दिया, और थोड़ा मैंने साथ लिया सूखा आटा, इसके ऊपर लगा के देखे मैंने इसको इस तरह से बना के रख दिया। तो अभी मैं नाइफ से ना इसके ऊपर कट लगा देती हूँ इस तरीके से, इससे ये होगा आप जो पेड़ा बना रहे हैं ना उसका बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होगा। इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने। अच्छा, अगर आपने थोड़ी बड़ी रोटी बनानी है तो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन मैं छोटी बना रही हूँ। तो पेड़े मैंने बना लिए, ये देखिए जिप लॉक बैग रख दिए ताकि इनको ना कहीं से हवा ना लगे, और इन्हें मैं कवर करूँ। देखिए यहाँ से मैंने बॉल्स दे दिए, यहाँ से मैंने नाइफ रख दिए, और यहाँ से हम ये रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ज्यादा से ज्यादा बस 3 से 4 मिनट हम इन्हें रखेंगे। चलें अभी मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दिए, और दरअसल मैंने 2-3 पहले बनाए ना, ये देखिए इसको हरा धनिया लग गया। चलें अभी ये देखिए इस तरीके की मैंने छोटी सी रोटी बनाई है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है ये देखिए। और अभी हम ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन को हमने इस तरीके से बिखेर देना है इसके ऊपर से। यहाँ से लेते हैं हम थोड़ा सा हरा धनिया, ये देखिए लहसुन मैंने इस तरीके से ऊपर लगा दिया है, और अभी हम इसके ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर धनिया और लहसुन जो है ना वो डाल दिए। अभी ना यहाँ से थोड़ा सा हम लेंगे आटा, ये जो खुश्क आटा ये लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर से डालेंगे, ताकि ये जब हम बेलन इसके ऊपर से थोड़ा सा घुमाएं इसको प्रेस करने के लिए लहसुन को और धनिया को, तो ये ना चिपके ना। ये देखिए ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से हमने इनको कर दिया प्रेस, और इस तरीके से हमारा गार्लिक नान बनके अभी तैयार हो गया है। तो इसको हम थोड़ी देर स्टे देंगे, जैसे पेड़े को हमने कोई तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्टे दिया था, लेकिन रोटी को ना हम थोड़ा ज्यादा स्टे देंगे ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। तकरीबन 10 मिनट मैंने इन रोटियों को स्टे दिया है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ। और यहाँ पर देखे मैंने बटर थोड़ा सा मेल्ट करके रख दिए, लास्ट में हम इनको ग्रीस करेंगे। तवा मैंने रख दिया है, और हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ना ज्यादा आँच तेज रखेंगे और ना ही ज्यादा कम रखेंगे। चलें अब मैं इसको पलटने लगी हूँ, और देखते हैं कि नीचे से ना ये कैसा बना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। अच्छा, इसे जब हम पका रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज करनी है, ताकि ये जल ना जाए, ज़्यादा डार्क ना हो जाए। पहला पहला हमारा गार्लिक नान पक के तैयार हो गया माशाल्लाह। गार्लिक की खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, और हरा धनिया की। तो अभी हम यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा बटर, इसको हम कर लेते हैं ग्रीस ऊपर से। अभी ये हमारा कितने 3 बन गए हैं, और ये है हमारा जी चौथा नान। और जल्दी से हम इसके ऊपर बटर अप्लाई कर देते हैं। वैसे बनने में ना इनको टाइम लगता है, इनको आराम आराम से बड़े प्यार से इनको बनाना पड़ता है, तो फिर जाके बड़े मज़े के बनते हैं। अगर तेज़ आंच पर बनाया तो ये जल भी जाते हैं, और इनका टेस्ट भी वैसा नहीं आता जिस तरह से हमें चाहिए। तो फाइनली हमारे सारे गार्लिक नान बनकर यहाँ पर रेडी हो गए। अभी क्या करना है, अभी सोचते हैं कि खाना किस चीज़ के साथ है हमने इसको। तो इस पर फिलहाल मैं बटर लगा दूँ। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है लहसुन की और हरा धनिया की। अच्छा, इस पर नहीं लगाया इस, ये तो अभी खैर मैंने उतारा है अभी, लेकिन इस पर मैंने लगाया नहीं, ये भूल गया था मुझे। इस पर अभी मैं बटर लगा रही हूँ। यहाँ पर बनी थी हमारे घर पे दाल, दाल के साथ यहाँ पर तमन्ना ने बना दी थोड़ी सी मलाई बोटी। मलाई बोटी का सालन बन गया है, मलाई बोटी का सालन बन गया। तो ये कह रही थी कि बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मा आप कढ़ाई बना दें, ये बना दें। मैंने कहा पहले ये बना लूँ, आज मेरा बहुत दिल करा था गार्लिक नान खाने का। इनका ये बन जाए, फिर इंशाल्लाह किसी और दिन ना हम कढ़ाई बना देंगे या कुछ बना देंगे। तो इसे जल्दी जल्दी ना ये मलाई बोटी बना दें। तो खैर अभी मैं खाती हूँ, जिस शौक से मैंने बनाया है तो खाऊं पहले, बिस्मिल्लाह करती हूँ, खाती हूँ और फिर बताती हूँ आप सबको कि कैसे बने। बिस्मिल्लाह, किससे खाऊँ, दाल से या मलाई बोटी से? मलाई बोटी से खाती हूँ।
सच में बहुत मजे के बने हैं। तुम्हारा ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरे नान ज्यादा मजे के हैं। दाल से भी ट्राई करती हूँ कि दाल के साथ, लेकिन सच में बहुत सॉफ्ट है। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए सॉफ्ट बने हैं, बहुत मजे के हैं। दाल के साथ खा के ट्राई करती हूँ कि कैसा लग रहा है। दाल के साथ इसके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लेकिन ज्यादा इसके साथ मजा आ रहा है, मलाई बोटी के साथ। कुकू और चाहिए, कुकू भी आ गया मेरे साथ नान खाने के लिए। इसे भी पता चल गया कि नान बने घर में और मैं भी जाके नान खाऊं। मैंने अभी खा लिया है और चाचू अभी खा रहे हैं। चाचू बताएं कैसे बने हैं? ये मैंने बनाई है, माशाल्लाह बहुत बेजदार। और मलाई को भी साथ में खड़ी हुई है, बस खा रही है कब से।